नमस्कार, मंजू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं प्याज की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही चटपटी सब्जी बनेगी। इसके लिए हमने प्याज को लेकर के इस तरह से छील लिए हैं। छील करके इसे हम चार पार्ट में काट लिए हैं, नीचे से जुड़ा हुआ है। इसे बनाने के लिए हम कुछ खास मसाला का यूज किए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में एक छोटा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम चार पांच लहसुन की कलियाँ को लेकर के और उसे छील करके दो दो पीस में काट लिए हैं और उसे डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा अदरक है, उसे भी इस तरह से हम रफली काट लिए हैं, उसे भी डाल देते हैं। प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज को लेकर के उसे भी इस तरह से मोटा मोटा पीस में काट लिए हैं, उसे भी डाल देते हैं। और एक हरी मिर्च, और इसे हम अच्छी तरह से पहले भून लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के बाद में मिक्सी का जार में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर से गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और इसमें हम दो छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें आधा छोटा चम्मच राई को डाल देते हैं। राई चटकने लगा, अब इसमें हम प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किए थे उसे हम इसमें डाल देते हैं। प्याज तो पहले से ही भुना हुआ था, इसलिए इसे ज़्यादा भूनना भी नहीं है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और पहले मसाला को अच्छी तरह से मिला करके भून लेते हैं। गैस का फ्लेम को अभी हम लो कर दिए हैं। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें हम दो छोटा चम्मच दही है, यह फेटा हुआ दही है, इसे हम डाल देते हैं। और दही को भी लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। इस सब्जी का ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए जो मसाला को यूज किए हैं वो मसाला है एक छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच जीरा। इन सभी का हम पाउडर तैयार कर लिए हैं, इस तरह से इसका हम पाउडर तैयार कर लिए हैं, इसे भी इसमें हम डाल देते हैं। इसे डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार इस तरह से प्याज का सब्जी ज़रूर बनाइए। और इसे भी हम हल्का भून लेते हैं। हल्का भूनने के बाद अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी डालने के बाद अब इसमें हम प्याज को डाल देते हैं। प्याज को डाल करके लगभग 8-10 मिनट के लिए इसे हम ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग 8-10 मिनट हो गया, अब सब्जी को हम चेक कर लेते हैं कितना बढ़िया प्याज का सब्जी बन करके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं।